अखिल भारतीय सेवा स्तर के 6 अधिकारियों के खिलाफ लोक आयोग ने कार्रवाई की है और अनुशंसा की ये कार्रवाई की गई है, जिसमें निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता, प्रमुख सचिव रेणु पिल्ले के नाम भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में लिखित जवाब के जरिए जानकारी दी है। कांग्रेस विधायक अरुण वोरा ने पूछा कि 1 अप्रैल 2016 से 1 अप्रैल 2019 तक लोक आयोग ने किन किन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई अथवा जांच की अनुशंसा की है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी एनएस मंडावी, हीरालाल नायक, रिटायर्ड अधिकारी जे मिंज, वन अधिकारी एसएस बजाज, पुलिस अधिकारी मुकेश गुप्ता के अलावा रेणु पिल्ले के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा राज्य सरकार को भेजी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने लिखित जवाब में कहा है कि एनएस मंडावी के खिलाफ कार्रवाई के लिए लोक आयोग ने 3 नवंबर 2016 को अनुशंसा की थी। प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी रेणु पिल्ले और वन अधिकारी एसएस बजाज के खिलाफ 23 सितंबर 2017, आईपीएस मुकेश गुप्ता के खिलाफ 30 अक्टूबर 2017, आईएएस हीरालाल नायक के खिलाफ 17 मई 2018 और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी जे मिंज के खिलाफ 29 मार्च 2019 को विभागीय कार्रवाई किए जाने की अनुशंसा भेजी है। उन्होंने बताया कि मुकेश गुप्ता के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई फिलहाल स्थगित है, जबकि एनएस मंडावी के खिलाफ विभागीय जांच स्थगित करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है, लेकिन पत्र पर अब तक कोई जवाब नहीं आया। रेणु पिल्ले का पत्र प्राप्त होने के बाद विभाग ने उत्तर से सहमत होते हुए लोक आयोग के सचिव को जानकारी भेज दी है। और अखबार नरसिंहगढ़ से